अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रन एंड रन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको ईद और मामले अमान में रखे और सबको मकबूल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं सारा दिन ऑफिस में रहा, काम था, बिजी रहा, मसरूफ रहा, नहीं पता चल सका ठीक है। फिर एक दोस्त ने बताया, कहा यार मैंने देखा नहीं क्या हुआ है कि पाकिस्तान में यूट्यूब फिर से बैन होने लगी है। तो ये एक बड़ी बुरी खबर है उन लोगों के लिए मेरी तरह। दूसरे भी जो यूट्यूबर हैं अपनी वीडियोस यूट्यूब पर बनाते हैं और अपलोड करते हैं और उन्होंने इसको अपना रोज़गार का ज़रिया बनाया हुआ है। तो अभी ये खबर ही है, अभी इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। अभी उसे भी कहा गया है, सोचा जाएगा, देखा जाएगा क्या फैसला आता है या क्या इसका होता है। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालात जो जा रहे हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, इतने लोग हालात ख़राब हैं कि हर बंदा परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि समझ में नहीं आती क्या चीज़ ले और क्या चीज़ खरीदे, क्या चीज़ ना खरीदे। हालात ख़राब होने की वजह से लोगों का रोज़गार काफ़ी ज़्यादा जाना बंद हो चुका है सब, और हर बंदा लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंसार उनका सिर्फ यूट्यूब पर ही है। उनमें से इसको अपना जरिए रोज़गार मार्ग बनाया हुआ है, उससे अपनी कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ उन्हें अर्निंग हो जाती है और उनका गुजारा हो रहा है। अब बात ये है कि क्यों बैन होने लगी है या क्यों ये मसला हुआ है, क्यों रूप पेश आई है या क्या वजह है या क्या कहाँ से बात चली है। असल में कोई मसला ये है कि केस चल रहा था तो उस केस के दौरान कोई डिस्कशन हुई और डिस्कशन के वजह से कोई ऐसी बात निकली कि उसमें बात हुई कि ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तानी टैक्सियों के ख़िलाफ़ या किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ आर्मी के ख़िलाफ़ या तो ऐसा मवाद मौजूद है जो यूट्यूब पर मौजूद है। तो वो बात वहाँ से चली तो जज साहब के उन्होंने फरमाया कि इसको वहाँ से मुतलका पता बुलाया गया उन्हें और कहा गया कि इसको वहाँ से ख़त्म करते हैं। वो कहा गया कि हम इसको वहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते। वो क्योंकि जज साहब को इंसान था कि एक तो बात वो पहले वो जिस चीज़ पर बरम थे लिए क्यों वहाँ पे आया, तो उन्होंने कहा कि अगर वो बंद नहीं कर, अगर उसको वहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सकता तो हम यूट्यूब को ही बैन कर देना चाहिए। ये बात मीडिया पर पहुँची, मीडिया ने सुबह से ले ली शाम तक खबरों में इस तरह वो चल रही है। लोग कुछ लोग यूट्यूब पर भी उसको बाजार कर पेश कर रहे हैं। अभी इसके बारे में वो सिर्फ उन्होंने इजहार किया है कि इसको भी बंद कर देना चाहिए। तो मेरी मुतलका अदारों से जज साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है कि बजाय इसके कि आप यूट्यूब को ही बंद कर दें, आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको बंद करने की बजाय वो यूट्यूब पर जो मवाद मौजूद है उसको मुतलका अदारों को कहें कि वो उनसे रब्ता करें और वहाँ से उसको मवाद जो जिस बंदे ने या
जो भी वीडियो अपलोड की हुई है उस बंदे को पकड़ा जाएगा। अब बजाय इसके कि वो प्लेटफार्म ही उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि मेरे तरह और भी बहुत से लोग, बहुत से क्या लोग, लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है। उन्होंने लोगों ने इसको जरिए रोज़गार बनाया हुआ अपना, और इससे अपनी रोज़ी रोटी रोज़ की अपनी इनकम का जरिया बनाया हुआ, और उनके पास कोई ज़रिया आमदन नहीं है। तो अल्लाह ताला उन लोगों को हदायत दे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, या पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि वो कोई किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करें, हमारे प्यारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, हमारे किसी शख्सियत के बारे में बात करें। तो उनको चाहिए कि इसको कंट्रोल करें, बजाय इसके कि ये जो प्लेटफार्म मौजूद है ये ही बंद हो जाए। तो इस पर लोगों का कम से ज़्यादा रोज़गार वाबस्ता है, तो इसको बंद नहीं होना चाहिए। बाकी बड़ी उम्मीद है कि बंद नहीं होगी और ये मसले का हल कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो अगर बंद हो भी गई, अगर बंद हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा इसका, और पहले ही लोग परेशान हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि मौजूदा हालात जा रहे बीमारी में ये वबा आई हुई है, इसकी वजह से पहले ही ज़्यादा वो लॉकडाउन चल रहा है, कोई मार्केटें बंद हो गई हैं, कोई मसले मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं कि लोग कारोबार कोई नहीं है, जो है वो बहुत महदूद पैमाने पर है, और इसकी वजह से सारे ही परेशान हैं। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, आप सब लोग दुआ करें कि ये हालात ठीक हो जाए और यूट्यूब को बंद ना करना पड़े। और ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप सब लोगों को ये कोशिश करें कि आप भी अपने सतह पर अपने जो आप बात कर सकते हैं, अपने पैगाम पहुँचाएँ तलकादारों को या उनके पाकिस्तान के इस मौजू पर, इस बात पर देखे सोचे कि बजाय इसके के लोगों का रोज़गार बंद हो, मजीद बंद हो, लोग मजीद परेशान हो, इसका कोई और हल निकल आए। तो यही हमारी क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने से जो थोड़ी बहुत इनकम बाहर से आ रही है, लोग अर्न करने हैं, उसके लिए पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। पहले हालात बहुत परेशान हैं, लोग परेशान हैं, और उनका जरिया माश कोई नहीं है, उन्होंने इसको अपना जरिया माश बनाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आदमी जिंदाबाद। Thanks for watching. Like, share, subscribe. Allah Hafiz. Present by Learner and Academy.